और बची है, अब तब वो पूरी नहीं हो जाती तब तक ये सम्राट ही है। किंतु किंतु क्या प्रिय भांजे, अब इनके पास बचा ही क्या है जिसे ये दांव पर लगाएंगे। नहीं नहीं, जिसे प्रिय भ्राता युधिष्ठिर, नहीं नहीं, जिसे तथाकथित सम्राट युधिष्ठिर हारेंगे। नहीं भांजी, नहीं, अभी अभी इनके पास एक अनमोल वस्तु बची है। अनमोल वस्तु? कैसी अनमोल वस्तु मामा श्री? पांच पतियों की पत्नी, पांचाली। पांचाली? आप ही हमारे सामने ये अवतार हो रहा है और आप मौजूद ये दुष्ट चक्री कुरुवंश की पुत्र बनु को दांव पे लगाने की बात कर रहा है। आप देख रहे ये अगर क्यों पितामा, ये अगर क्यों क्यों अब यदि तेरी जीवा से एक शब्द भी निकला तो तेरी जीवा इसे शहर में कर मारूंगा दास। तू धनुर्धर नहीं, मेरा दास है दास। युधिष्ठिर तुझे हार चुका है, यदि नहीं तो पूछ हमने जैसे पूछ अजन पूछ। हाँ तो मौसी क्या कह रहे थे आप? कुछ नहीं भांजे, कुछ नहीं, पहले तुम अपना स्थान ग्रहण कर। तो मेरे प्यारे भांजी, मैं बस यही कह रहा था, युधिष्ठिर चाहे तो ये द्यूत यही छोड़कर जा सकता है, किंतु यदि ऐसा किया तो धर्म पर लांछन लगेगा, क्योंकि क्षत्रिय द्यूत अथवा युद्ध के आवाहन का प्रतिकार करता है तो ये क्षत्रिय धर्म विरुद्ध आचरण माना जाता है। सही कह रहा हूं ना धर्मराज युधिष्ठिर? अरे नहीं मामा श्री, धर्मराज युधिष्ठिर कभी भी धर्म के विरुद्ध आचरण थोड़े ही करेंगे। क्यों, मैंने सही कहा ना ज्येष्ठ, मैंने सही कहा ना धर्मराज। हाँ हाँ, देखो पास से सम्राट, इतनी भी उत्सुकता क्या है, पासे भी फेंक दिए जाएंगे, लेकिन इससे पहले मुझे ये बतलाओ